तो जैसा इस वक्त आप सुन रहे थे, हमने आपको बताया कि अभी तो टेरर फंडिंग में सिर्फ यासीन मलिक को सजा हुई है, जबकि इसके आतंकी इबारत 3 दशक पुरानी है। और वहां सिर्फ टेरर फंडिंग नहीं है, वहां पर बकायदा कत्ले आम है, आतंक से जुड़े वो तमाम एक्शन है जिसमें ये पूरी तरीके से लिप्त पाया गया। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि 60 से ज्यादा मामले जिस शख्स पर दर्ज हो और वो संगीन मामले दर्ज हो, वो आजाद और वीआईपी बनकर कैसे हिंदुस्तान में घूम सकता है। अब इसकी पड़ताल करनी बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे किसी शख्स के पीछे कोई इकोसिस्टम काम करता है कि वो आतंक तो फैलाए लेकिन वीआईपी का दर्जा पाए। अब इसी खबर की पड़ताल करती मास्टर स्ट्रोक की अगली स्टोरी आपके सामने। जब वो कोर्ट हेयरिंग से बाहर निकल रहे, इतनी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द है, आतंकवादी यासीन मलिक की बीवी ऐसी भोली बन रही है कि वो अपने शौहर को जानती ही नहीं। कह रही है कि उनके शौहर के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे कि वो कोई दहशतगर्द। जब वो कोर्ट हेयरिंग से बाहर निकल रहे, इतनी हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द है, जी हाँ, मुशाल मलिक साहिबा, आपके शौहर मोहम्मद यासीन मलिक एक दहशतगर्द यानी आतंकवादी ही है। एक ऐसा दहशतगर्द जिसने कश्मीर की धरती को खून से लाल किया। एक ऐसा दहशतगर्द जिसके हाथों में कश्मीरी पंडितों का खून है। एक ऐसा दहशतगर्द जिसने निर्दोष सुरक्षा कर्मियों की हत्या की है। 32 साल 4 महीने वो मेरे हस्बैंड को मारने के बाद जी लिया, बस। ये आज से करीब 20 साल पहले की तस्वीरें हैं, नवंबर 2002 की। 6 महीने जेल में बिताने के बाद यासीन मलिक श्रीनगर में अपने घर पहुंचा था, तो उसके समर्थकों ने कुछ ऐसे उसका स्वागत किया था। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगे थे। तब भी उस पर आरोप यही था कि वो हवाला के पैसों के जरिए आतंकवाद फैलाता है। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये तय है कि यासीन मलिक के जीवन में वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो ऐसे रिहा होकर अपने घर पहुंचेगा। इसीलिए यासीन मलिक के पापों की चार्जशीट दिखानी बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है 1987 से, जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। यासीन मलिक सैयद सलाउद्दीन का चुनावी एजेंट था जिसने बाद में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की शुरुआत की। चुनावों में धांधली के आरोप लगे और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि इसी के बाद यासीन मलिक ने हथियार उठा लिए। आतंकवाद के क्षेत्र में यासीन मलिक की एंट्री के बारे में मनोज जोशी की किताब द लॉस्ट रेबेलियन कश्मीर इन 90s में लिखा है। 21 साल का एक नौजवान अब्दुल हामिद शेख फरवरी 1988 में सीमा पार गए। उसे ISI के ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया जहां उसे AK-47 चलाने और ग्रेनेड फेंकने की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। वो अप्रैल में कश्मीर लौटा और उसने मोहम्मद यासीन मलिक के साथ एक छोटा ग्रुप बनाना शुरू किया ताकि वो घाटी में आतंक फैला सके। इस ग्रुप के मुख्य सदस्य थे हामिद शेख, अशफाक मजीदवानी, जावेद अहमद मीर और यासीन मलिक। इसके बाद मई के महीने में यासीन मलिक LOC पार करके पाकिस्तान गया और वहां उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद वो अगले महीने ही लौट आया। इसके बाद यासीन मलिक ने घाटी में आजादी के नाम पर आतंकवाद का खूनी खेल खेलना शुरू किया। वो निर्देशों की जान लेने लगा। इसी बीच उसके आतंकी संगठन के कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए तो उसके संगठन ने रुबैया सईद के अपहरण कांड की साजिश रच दी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1989 में कांग्रेस छोड़ी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल में शामिल हो गए। चुनाव जीते और VP सिंह ने उन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया। मुफ्ती सईद इस देश के पहले और अब तक के एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री रहे। लेकिन शपथ लेने के ठीक 4 दिन बाद घटी वो घटना जो कश्मीर कहानी में टर्निंग पॉइंट बन गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मझली बेटी रुबैया सईद श्रीनगर के लाल डट अस्पताल में डॉक्टर थी। 8 दिसंबर 1989 को 3:45 पर रुबैया सईद अस्पताल से बाहर निकली। वो एक मिनी बस में अपने घर नौगाम जा रही थी, लेकिन पीछे से 5 आतंकवादी उनकी बस का पीछा कर रहे थे। जैसे ही बस खाली हुई, आतंकवादी बस में दाखिल हो गए।
गन पॉइंट पर उन्होंने पहले रुबैया सईद पर कब्जा किया, ड्राइवर को बस नाथीपुरा नाम के एक जगह पर ले जाने को कहा। बस वहां पहुंची तो पहले से ही वहां पर एक नीले रंग की कार खड़ी थी। रुबैया सईद को जबरदस्ती कार में बिठाया और फरार हो गया। आगे इस अपहरण कांड पर मनोज जोशी की किताब में बहुत दिलचस्प जानकारियां दी गई। किताब में लिखा है, रुबैया को सोपोर में राज्य सरकार के जूनियर इंजीनियर जावेद इकबाल मीर के घर ले जाया गया। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक, अशफाक मजीद वानी और गुलाम हसन भी रुबैया सईद के साथ थे। उसी दिन दोपहर में जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने कश्मीर टाइम्स नाम के अखबार के दफ्तर में फोन किया और कहा कि रुबैया सईद का अपहरण मुजाहिदों ने किया है, क्योंकि वो अपने साथियों हामिद शेख, शेर खान, जावेद अहमद जरगर, नूर मोहम्मद कलवाल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को छुड़ाना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला तब भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे जब यह अपहरण कांड हुआ था, और उस समय वो देश में नहीं थे, लंदन में थे जहां से अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख को केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया था कि इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे आतंकवादी डर जाएं और रुबैया की हत्या हो जाए। इस बीच जल्दबाजी में फारूक अब्दुल्ला वापस भारत लौट आए और उन्होंने एक भी कैदी को रिहा ना किए जाने को कहा। इसके आगे की कहानी मनोज जोशी की किताब में लिखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि तत्कालीन सरकार इस अपहरण कांड से हिली हुई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नई दिल्ली में सरकार के अंदर ही आतंकवादियों की मांगों पर दबाव महसूस किया जा रहा था। आतंकवादियों के साथ बुद्धिमानी से बातचीत नहीं की गई। अरुण नेहरू, आई के गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान की कैबिनेट कमेटी तस्वीर में आई और उन्होंने सभी पांचों को रिहा करने का फैसला किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला अड़े हुए थे। 13 दिसंबर की सुबह उन्हें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का फोन आया और उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कहा। 13 दिसंबर की सुबह कैबिनेट मंत्री आई के गुजराल, आरिफ मोहम्मद खान और आईबी चीफ एमके नारायणन श्रीनगर पहुंचे और सीधे फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंच गए। फारूक अब्दुल्ला के विचार सुनने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें पांचों आतंकवादियों को छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपने अधिकारियों से ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड करवाई और फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति को 14 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और फिर उन्होंने पांचों को छोड़ने को कहा। उसी दिन 3 बजे आतंकवादियों को अवामी एक्शन कमेटी के हेडक्वार्टर राजौरी कदाल में छोड़ दिया गया। आतंकवादियों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी और फिर भीड़ ने श्रीनगर की सड़कों पर इन आतंकवादियों की रिहाई में जुलूस भी निकाला। कुछ घंटों के बाद शाम को 7 बजे रुबैया को छोड़ दिया गया और इसी बीच रिहा किए गए आतंकवादी भी गायब हो गए। मरने वालों में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे। इस आतंकी घटना को अपने साथियों के साथ यासीन मलिक ने ही अंजाम दिया था। रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना जम्मू में रहती हैं। यासीन मलिक की उम्र कैद से वो खुश नहीं है, वो खून का बदला खून मांग रही है। खून का बदला खून, और इस केस में मैं यह कहूंगी जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, we must honor that। यासीन मलिक के साथ इस हत्याकांड में एक और आतंकी शामिल था, बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे और यासीन मलिक ने मिलकर कश्मीरी पंडितों की भी खूब हत्याएं की थी और बिट्टा कराटे ने इसे एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया। हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।